नॉर्थ नाजमाबाद कराची का खूबसूरत तरीन इलाका कहलाता था। नॉर्थ नाजमाबाद की तबाही का नोहा नया नहीं है। एक दिहाई के अंदर इस पूरे इलाके को तबाही और खंडर की जो है शक्ल दे दी गई। सड़कें तबाहाल हैं और आज तक अपनी तामीरात की मुंतजर। हम मौजूद हैं नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक एल अरफात टाउन में, जहां के शहरी इस वक्त पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम हैं और उन्हें कोई सुनने वाला नहीं। मेरा नाम जमशेद अमान है। मैं 25 साल से यहां अरफात टाउन में, जो नॉर्थ अहमदाबाद ब्लॉक एल से मुतसिल आबादी है, रिहाइश पजीर हूँ। और इस गुज़श्ता 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो हालात आज पैदा हुए। इस मोहल्ले के हालात देखें, गलियाँ देखें, सबरी लाइन देखें, पानी नाम को यहाँ नहीं है। यहाँ हर दूसरे दिन हर घर में तकरीबन पानी के टैंकर आते हैं, जबकि पानी की लाइनें यहाँ बिछी हुई हैं, लेकिन पीछे से पानी की मकदार जो है वो छोड़ी नहीं जाती। सीवरेज का यहाँ इतना ज़्यादा मसला है, हर 5 दिन 8 दिन 10 दिन में कोई ना कोई लाइन बंद होती है। और अपने तौर पे हम अपनी मदद, आप अपने तौर पे इसको हल कराते हैं। नॉर्थ अहमदाबाद बहाली तहरीक चल रही है, इंशाल्लाह हम उसमें बिल्कुल उनके मददगार और मुआविन हैं। और हमारी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हम इन मसाइब से अपनी जान छुड़ाएँ और यहाँ के लोग सुकून का सांस लें। सबसे बड़ा मसला जो हमारा पानी का है, पानी के अलावा सबसे दूसरा मसला जो हमारे सेवरेज का निज़ाम भी और हमारे इस रोड का भी निज़ाम तनतई ख़राब हो चुका है। पानी के हवाले से हम तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से एक बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हर शख्स अपने घर से निकलेगा और निकल के इस बहाली तहरीक के साथ जुड़ेगा। अगर ये नहीं जुड़ेगा तो फिर ये तिनका तिनका हो के मसाइल का हल नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम है, मैं रफा टाउन का रहायशी हूँ। पिछले 35-40 साल हो गए मैं इस रफा टाउन में रहते हुए। अभी हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए बनवाया था और इसमें काफ़ी काम भी हुआ था, झूले वगैरह भी लगे हुए थे। अब हाल ये है कि इसमें पार्किंग होती है रात के अंदर, यहाँ पर आप गुजर नहीं सकते, यहाँ पर ओबाश किस्म के लोग बैठे होते हैं और मुख्तलिफ मनीषात वगैरह का मामला चल रहा होता है। यह है नॉर्थ अहमदाबाद एल ब्लॉक अरफात टाउन का ईदगाह ग्राउंड। आप इसको देख सकते हैं, कहीं से भी आपको ईदगाह या खेल का ग्राउंड नहीं महसूस होगा। करोड़ों रुपए के फंड्स 2 बल्दियात इस्तेमाल कर चुकी हैं। यहाँ के मकीन बताते हैं कि माजी में लाइटें थीं, बाकायदा ग्रास थी और झूले तक नसब किए गए थे नेमतुल्ला खान के किसी दौर में। उसके बाद से यहाँ की आबादी पानी को तरस रही है, कहीं सीवरेज के मसले हैं तो कहीं बच्चों के पार्क्स के ये कैफियत है। हालांकि हम सब जानते हैं नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जो हुआ करता था खूबसूरत, उसको इन मायनों में कहा जाता है कि यह बेहतरीन मॉडल पार्क्स हुआ करते थे और ये इन पार्क्स की आज की हालत है। बेटा, यहाँ आपके पास कोई खेलने का ग्राउंड है और नहीं तो आपको यहाँ मज़ा आता है खेलने में? नहीं। यहाँ क्या मुश्किल होती है? यहाँ कचरा है, ठंडा है, हम रात को इधर नहीं आ सकते। नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है वो है पानी का। पानी के मसले के लिए हम तकरीबन 2 साल से इंतहाई परेशान हैं और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ तब तक नहीं हुई है। अरफात टाउन में पानी की तकलीफ का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि जिस तरह से या तो लोग अगर टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर किस तरीके से इन गैलन्स में पानी भर कर लाते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इस्तेमाल के लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं। किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किन आजमाइशों से गुजर रहे हैं, क्या हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास है? हमारे यहाँ तकरीबन 3 साल से पानी की बहुत परेशानी है। अभी कुछ अरसे से देखा गया है कि इधर पानी की लाइन में कुछ जड़ें थी जो इसके अंदर से जड़ें वगैरह निकाली गई। अभी हमने ये खड्डे लगाए थे, इसके अंदर भी 8 इंच पानी है। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर पानी की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। 8 इंच पानी अगर इधर है तो इधर 7 इंच पानी होना चाहिए। आप इधर ये गली देख रहे हैं, इस गली के अंदर गैर कानूनी कनेक्शन किए गए हैं। अरफात टाउन की खवातीन भी इस पूरी सूरतयाल से इंतहाई तंग है और उन्होंने भी जज्बात का इजहार करते हुए कहा, 20 साल से ऊपर हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे, गटर लेन यहाँ नहीं बनती, सड़क यहाँ नहीं बनती, पानी यहाँ नहीं है, बिजली के बिल के इतने इतने बिल आते हैं कि के तनख्वाह जितनी ना हो उतने बिल भर दे कर चोरी करे डाका डाले। बिजली भी जा रही है सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम जा रही है, रोड टूटे पड़े हुए, गाड़ियों के बेड़े गर्क हो गए, पानी जिनके पास पैसा है। आवाम की आवाज़ आपने सुनी, लोगों का रोना है कि चोर और करप्ट हुक्मरानों ने उनके दिए हुए टैक्सों से इन्हीं को लूटा, इन्हीं को तबाह बर्बाद किया है। आज बूंद बूंद को तरसता हुआ नॉर्थ अहमदाबाद इस बात की गवाही दे रहा है कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर सिर्फ उसी क़यादत को मुंतखब करेंगे जो उनके मसाइल का हल करा सकेगी। जमात इस्लामी बहाली नॉर्थ अहमदाबाद तहरीक के साथ आवाम के दरमियान मौजूद है। देखना यह है कि आवाम किस हद तक इस तहरीक में शामिल होकर अपने हकूक वापस लेती है। कैमरा टीम जिशान शेख और सुफियान अहमद के साथ सलमान अली, राहनी उस कराची।